जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडिया ट्रेवल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। यात्रा से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम पिछोला झील उदयपुर की यात्रा करेंगे। उदयपुर कैसे पहुंचे, कहां रुके, खाने पीने एवं लोकल साइट सीनिंग के लिए आपका क्या साधन रहेगा, इस पर हमने अलग से पूरा वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लिंक पर क्लिक कर पूरा वीडियो देख सकते हो। पिछोला झील के ठीक पास बनी हुई दूध तलाई की शानदार एवं आकर्षक छतरियां बनी हुई है जो लोगों को फोटोग्राफी के लिए अपनी ओर आकर्षित करती है। बहुत ही खूबसूरत एवं शानदार नजारा दूध तलाई का। अब हम पिछोला झील के किनारे पर आ गए हैं। इस रोड के एक तरफ पिछोला झील बनी हुई है जबकि दूसरी ओर दूध तलाई स्थित है। दोनों झील आपस में जुड़ी हुई है और सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है वहां पर मनसा पूर्णकर्णी माता का मंदिर बना हुआ है जिस पर आप रोपवे की सवारी भी कर सकते हो। पिछोला झील के शांत पानी में आप नौका विहार का भरपूर आनंद ले सकते हो। पिछोला झील में नौका विहार करना अपने आप में आपको एक अलग ही अनुभव करवाती है। चारों ओर से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से गिरी झील के बीच में आपको अलग ही आनंद प्राप्त होता है। झील के मध्य में दो टापू बने हुए हैं, वो आपको दिखाई दे रहा है, वो जग मंदिर महल है जिसमें आजकल बहुत ही शानदार 5-स्टार होटल का संचालन होता है, और दूसरे टापू पर आजकल लेक पैलेस होटल बना हुआ है। सामने पहाड़ी पर सज्जनगढ़ किला बना हुआ है। यहाँ से आपको पूरे उदयपुर शहर का नज़ारा देखने को मिलता है। झील के किनारे पर आप ऊंट की सवारी भी कर सकते हो। आइए दोस्तों, अब हम पिछोला झील के इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं। इस झील का निर्माण महाराणा लाखा के समय उदयपुर के पश्चिम में पिछोली गांव के निकट 1362 में पिछू बंजारे ने करवाया था। महाराणा उदय सिंह ने इस झील का विस्तार करवाया। ये सामने वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ है जहां से उदयपुर शहर को पेयजल मिलता है। अब हम नाव में बैठकर झील के नज़ारे देखते हैं। हम 10 सीटर लग्जरी बोट में बैठते हैं जिसका किराया 360 रुपये प्रति व्यक्ति है। दोस्तों, काफ़ी शानदार नज़ारा दिखाई देता है। सामने आपको सिटी पैलेस दिखाई दे रहा है। काफ़ी अद्भुत एवं शानदार नज़ारा दिखाई दे रहा है। अगर आपको बोटिंग का भरपूर आनंद लेना है तो लेक पिछोला में नौका विहार अवश्य करें। पिछोला झील में बोटिंग करने से आपको झील के चारों ओर बने शानदार एवं भव्य होटल एवं महल देखने को मिलते हैं। अब हम ताज लेक पैलेस होटल के सामने आ गए हैं। झील के चारों ओर आपको काफ़ी लग्जरी होटलें देखने को मिलती है। लेक पिछोला झील देखकर आपका मन काफ़ी खुश हो जाएगा। ये सामने आपको ओबरॉय ग्रुप की होटल दिखाई दे रही है जो विश्व भर में अपना अलग ही नाम रखती है। अब हम जग मंदिर होटल के सामने आ गए हैं। अगर आपको इसके अंदर जाना है तो इसका टिकट सिटी पैलेस के अंदर से मिलता है। वहां से आपको बोट से डायरेक्ट जग मंदिर तक छोड़ा जाता है। हम आपको जग मंदिर के बाहर के नज़ारे दिखाते हैं। इस होटल के अंदर शादी करने के लिए काफ़ी सेलिब्रिटी पूरे वर्ल्ड से आते हैं। पास से देखने पर इसका नज़ारा काफ़ी शानदार दिखाई देता है।